ओके तो हम अभी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लास्ट सेक्शन की तरफ मूव कर रहे हैं। अकाउंटिंग साइकिल में मैं क्या देखा था कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है तो उस ट्रांजैक्शन को सबसे पहले रिकॉर्ड किया गया था प्राइम बुक ऑफ एंट्री, दैट वाज डे बुक। डे बुक्स में जितना भी अमाउंट टोटल हुआ, कोई कंपनी उसको डेली बेसिस पे करे, क्वार्टरली बेसिस पे करे, वो उस कंपनी की मर्जी है। तो उसको सम करने के बाद हम डबल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे जनरल लेजर में, या जिसको हम नॉमिनल लेजर भी कह रहे थे। तो डे बुक्स में हमने हर एक एंट्री रिकॉर्ड की, सेल्स डे बुक का टोटल उठाया, उसको सेल्स में क्रेडिट कर दिया और रिसीवेबल्स में डेबिट कर दिया, परचेजेस का टोटल उठाया, उसको परचेजेस में डेबिट किया, पेएबल्स में क्रेडिट किया। और ये जो हम डबल एंट्री सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं जनरल लेजर में। अब क्या सिलसिला बनेगा, जनरल लेजर के बाद जब हम क्लोजिंग करेंगे अक्सर कंपनीज क्लोजिंग एनुअली करती हैं, जो कि रिक्वायर्ड होता है एटलीस्ट। लेकिन अगर कोई कंपनी बाय एनुअली या इंटरनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना चाहे, कोई क्वार्टरली क्लोजिंग करना चाहे तो कर सकती है। बराबर, जब भी कंपनी क्लोजिंग करेगी तो जनरल लेजर के तमाम अकाउंट्स को पोस्ट किया जाएगा एक ट्रायल बैलेंस के अंदर। ट्रायल बैलेंस में हम तमाम अकाउंट्स का डेबिट और क्रेडिट पोस्ट करेंगे। आपके पास जितने भी टी शेप्स हैं, अच्छा शबी, ओके, आपके पास जितने भी टी शेप्स होंगे उन तमाम टी शेप्स के क्लोजिंग बैलेंसेस हम ट्रायल बैलेंस पर आगे करेंगे। लाइक आपके पास जितने भी एसेट्स हैं, उन एसेट्स के जितने भी सीडी बैलेंसेस होंगे, क्लोजिंग बैलेंसेस होंगे, वो हम ट्रायल बैलेंस पर आगे पुट करेंगे। एसेट फितरती तौर पे क्योंकि डेबिट पे रहता है, तो हम एसेट का सीधी बैलेंस डेबिट पे आके रखेंगे। कंपनी के ऊपर जितनी भी लाइबिलिटीज हैं, उनका सीडी बैलेंस हम रखेंगे। और लाइबिलिटीज क्योंकि नेचुरली क्रेडिट साइड पे आती हैं, तो उनका जितना भी सीडी बैलेंस होगा उसको हम क्रेडिट पे रख देंगे। उसके अलावा कंपनी के जितने भी इक्विटी अकाउंट्स हैं, यानी कैपिटल अकाउंट्स हैं, उनको भी हम क्रेडिट पे रखेंगे। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेट, जैसे जो भी कंट्रा एसेट अकाउंट्स होते हैं उनको भी हम क्रेडिट पे रखते हैं। एक्सपेंसेस जितने भी कंपनी रिकॉर्ड करती है और जितने भी टी शेप्स हैं, उन तमाम एक्सपेंसेस को भी हम डेबिट में लाके रखेंगे। लेकिन एक्सपेंसेस कभी भी
कैरी डाउन ड्रॉ डाउन नहीं होते हैं। तो जितना भी टोटल एक्सपेंस हुआ इस साल वो हम डेबिट साइड पे रख देंगे, और जितनी भी इनकम हमने कमाई, इनकम भी क्योंकि परफॉर्मेंस का आइटम है तो ये भी कैरी डाउन ड्रॉ डाउन नहीं होता, लेकिन इनकम भी नेचुरली रहती कहां पे है, क्रेडिट साइड पे। उसूलन अगर आपने तमाम एंट्रीज दुरुस्त की हैं, ठीक की हैं, डेबिट भी सही किया है, क्रेडिट भी सही किया है, अमाउंट्स में भी कोई गलती नहीं की है, तो उसूलन ये दोनों साइड्स बैलेंस होने चाहिए। इसको हम कहते हैं ट्रायल बैलेंस। अगर के इन दोनों साइड्स में डिफरेंस है तो हम इन्वेस्टिगेट करेंगे कि उस डिफरेंस की वजह क्या रही है। उस वजह को आइडेंटिफाई करके हम एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस भी बना सकते हैं, लेकिन हमारे पास अल्टीमेटली इतने आवर्स नहीं होते, इतना टाइम नहीं होता कि हम ट्रायल बैलेंस, उसके सस्पेंस अकाउंट और उसके एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस की तरफ जा सके। तो बहरहाल होता क्या है कि जितने भी जनरल लेजर के अकाउंट्स होते हैं उनकी क्लोजिंग करके उनको ट्रायल बैलेंस में लाया जाता है, और ट्रायल बैलेंस के बाद हम बनाते हैं कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो बाकी सारे प्रोसेसेस हम देख के आए कि डेबुक्स कौन कौन से होते हैं, उनमें क्या क्या रिकॉर्ड होता है। जनरल लेजर में हम टी शेप्स किस तरीके से बनाते हैं, उसमें डेबिट किस रेफरेंस से और कैसे किया जाता है, और क्रेडिट किस रेफरेंस से और कैसे किया जाता है, और कौन सी चीज इंक्रीज होने पर डेबिट होती है, कौन सी चीज इंक्रीज होने पर क्रेडिट होती है, वो हमने देख लिया था। और उसकी क्लोजिंग करने के बाद अब हम उसको ट्रायल बैलेंस में लेके आएंगे, और ट्रायल बैलेंस के बाद हम बनाएंगे किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो बनाई जाती हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो उसमें क्या क्या शो किया जाता है पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। आवाज अभी भी डाउन है प्रिया शबी? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम एक तो बनाते हैं कंपनी की परफॉर्मेंस जो के शो की जाती है बाय मींस ऑफ इनकम स्टेटमेंट, जबकि अब उसका रिवाइज नेम बेसिकली सो द रिवाइज नेम फॉर द इनकम स्टेटमेंट इज Statement of profit or loss. ये statement जब भी बनाई जाती है that is always for the period. तो एक given time period होगा, maybe a month, maybe a quarter, maybe biannual 6 months, or maybe a complete year. और उसमें हमें देखना होता है कि बिजनेस ने कितना रेवेन्यू अर्न किया है, कितनी इनकम अर्न की है और कितने एक्सपेंसेस किए हैं। दूसरा हम बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी।
स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का बेसिकली मकसद है कि जो कंपनी की ओनर्स की इक्विटी है उसमें ड्यूरिंग द ईयर क्या मूवमेंट्स हुई हैं, इसको हम डिस्कस करते हैं थोड़ी देर में। इसको बनाने के बाद हम कंपनी की पोजीशन देखते हैं, जिसको हम नाम देते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। जिसका पुराना नाम होता था बैलेंस शीट, लेकिन बैलेंस शीट जो बनती है वो क्योंकि पोजीशन है तो वो हमेशा एज एट ईयर एंड बनती है, यानी अब तक कंपनी की पोजीशन क्या रही है। अच्छा, उसके अलावा हम बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोस, ये भी फॉर द ईयर बनता है। और उसके अलावा रिक्वायर किए जाते हैं डिस्क्लोजर नोट्स या नोट्स टू द अकाउंट्स। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस के अंदर हम क्या शो करेंगे कि ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने इनकम कितनी अर्न की है और स्पेंड कितना किया है, और बाय द एंड कंपनी के पास प्रॉफिट बच रहा है या लॉस बच रहा है, और हाँ तो कितना। दूसरा हम बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, उसको हम अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। तीसरा हम बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। चौथा हम बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोस, ये हम इस पूरे सेशन में डिस्कस नहीं कर पाएंगे। सेशन से मेरा मकसद है कि हम पूरे सेमेस्टर में डिस्कस नहीं कर पाएंगे, बिकॉज देर इज शॉर्टेज ऑफ टाइम, कि हम हमने इसको सिलेबस में नहीं रखा हुआ। एंड लास्ट इज डिस्क्लोजर नोट्स, कि अगर कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि मैनेजमेंट ने कम्युनिकेट करनी है टू द इन्वेस्टर्स, टू द शेयर होल्डर्स, टू द स्टेक होल्डर्स, तो वो नोट्स टू द अकाउंट्स के अंदर डिस्क्लोज की जाती है। हम इक्विटी के ऊपर बात करते हैं तो उसके लिए हम पहले डिस्कस कर लेते हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस को ऑन करने के लिए एक अप्रोच होती है सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप या सोल ओनरशिप में एक ही इंडिविजुअल ही उस बिजनेस का मालिक है। तो अल्टीमेटली जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ज्यादा इंटरेस्ट होगा और जो प्रॉफिट होगा, जो लॉस होगा, वो एक ही के झोली में जाएगा या एक ही के गले में आएगा, तो हम उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अकॉर्डिंगली बनाते हैं। ऐसे केस में हम क्या करते हैं, सोल ओनरशिप के केस में हम इक्विटी में एक रखते हैं कैपिटल अकाउंट और दूसरा रखते हैं सिंपली ड्रॉइंग्स अकाउंट। क्योंकि यहां पे ऑनर अपनी मर्जी से जब जितने पैसे बिजनेस से चाहे निकाल सकता है फॉर पर्सनल यूज, इसको हम कहते हैं विदड्रॉइंग्स या ड्रॉइंग्स। अगर हम कैपिटल अकाउंट को देखें एक तो ये रखा जाएगा कि ऑनर ने इन्वेस्टमेंट्स पिछले साल के आखिर तक कितनी की हुई थी, कैपिटल को क्या क्या चीजें बढ़ा सकती हैं, क्या क्या चीजें कम कर सकती हैं। अगर
ऑनर बिजनेस में इस साल कोई फर्दर इन्वेस्टमेंट्स करता है तो उससे उसका कैपिटल बढ़ जाएगा। इसी तरीके से अगर बिजनेस को प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट किसको मिलेगा, वो भी ऑनर के पास जाएगा। लेकिन अगर बिजनेस को लॉस हो जाता है तो लॉस भी कौन भरेगा, ऑनर भरेगा। ब्रैकेट में मैं चीज जो लिख रहा हूं उसका मकसद वो माइनस हो रही है। और इसके अलावा ऑनर बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए जितने भी पैसे विड्रॉ करेगा, जिसको हम ड्राइंग्स कहते हैं, वो भी उसके कैपिटल से माइनस हो जाएंगी। अल्टीमेटली हमें पता चलेगा कि इस ऑनर का कैपिटल बिजनेस में कितना है, क्योंकि अकेला मालिक है तो एक ही कैपिटल अकाउंट होगा, एक ही बंदे के पैसे कैपिटल की हैसियत रखेंगे, एक ही बंदे के पर्सनल एक्सपेंसेस ड्राइंग्स की हैसियत रखेंगे। प्रॉफिट भी जाएगा तो इसके पास, नुकसान भी होगा तो इसको। तो अगर सोल प्रोप्राइटरशिप है तो हम अपने पास कैपिटल अकाउंट ही रखेंगे इन इक्विटी, उसके अलावा ड्राइंग्स अकाउंट ही होगा जो कि अल्टीमेटली कैपिटल को ही रिड्यूस करेगा। दूसरा केस बनता है पार्टनरशिप। नॉर्मली पाकिस्तान में तो एटलीस्ट वेरी फेल फॉर्म ऑफ बिजनेस, जब दो या दो से ज्यादा बंदे अगर दो या दो से ज्यादा बंदे मिलके कोई बिजनेस ऑपरेट करते हैं, कोई बिजनेस रन करते हैं, तो हम उसको बेसिकली कहते हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में क्योंकि इन्वेस्टमेंट दो या दो से ज्यादा बंदों की है तो उनका आपस में बेसिकली एक प्रॉफिट तकसीम करने का रेशियो होता है कि ये आपस में प्रॉफिट किस तरह से तकसीम करेंगे। अब एक इसमें हम बनाते हैं इनके कैपिटल अकाउंट्स, यानी इन्होंने इन्वेस्टमेंट्स कितनी की हुई हैं और मजीद इन्वेस्टमेंट्स कितनी कर रहे हैं, या इन्वेस्टमेंट्स में से कितना विड्रॉ कर रहे हैं, ये बनते हैं इनके कैपिटल अकाउंट्स। और दूसरा बनते हैं इन तमाम पार्टनर्स के करंट अकाउंट्स। फर्क क्या होगा, जो भी इन्वेस्टमेंट होगी या इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ किया जाएगा वो कैपिटल में से होगा, बाकी जो प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, ड्राइंग्स होंगी, वो सारी मूवमेंट करंट अकाउंट से रिकॉर्ड की जाएगी। ये बहुत जरूरी होगा कि इनका एक प्री डिटरमिंड एग्रीमेंट के टाइम पे जब इन्होंने पार्टनरशिप फॉर्म की होगी तो प्री डिटरमिंड इनका एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है जरूरी नहीं है कि दो बंदे हो तो 50-50 हो, तीन बंदे हो तो 1/3 1/3 हो। डिपेंड करता है कि कौन कितना प्रॉफिट का हकदार बनेगा। अच्छा, इसमें होता क्या है, पहली बात करंट अकाउंट में हम देखें मूवमेंट क्या होती है। पहला इसमें इश्यू होता है कि कोई पार्टनर होते हैं वर्किंग पार्टनर्स और कोई होते हैं स्लीपिंग पार्टनर्स, क्योंकि इसमें फड्डे बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अगर चार दोस्त हैं जो ग्रेजुएट करने के बाद ये सोचते हैं कि हम आपस में बिजनेस चला लेते हैं, तो शुरू में तो ये आपस में ऐसे गहरे दोस्त होते हैं जो ये कहने लगते हैं कि पैसा पैसा है लेकिन दोस्ती अपनी जगह पे है,
हम दोस्त हैं, हम उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे ना कि पैसे को, और पैसों की वजह से हम दोस्ती खराब नहीं करेंगे। लेकिन बिलाकर होता वही है जिस तरह आपके प्रोजेक्ट्स में होता है। अभी तो आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, लेकिन आगे आपको पता चलेगा कि अगर कोई ट्यूटर, कोई लेक्चरर या कोई प्रोफेसर चार दोस्तों को एक असाइनमेंट दे दे तो चारों दोस्तों की दोस्ती टूट जाती है ऑलमोस्ट। उसकी वजह क्या बनती है कि हर बंदा कहता है कि मैं ज्यादा काम कर रहा हूँ, दूसरा काम नहीं कर रहा। उसको फोटोस्टेट दी थी, वो भी नहीं करवाई। उसको बाइंडिंग के लिए कहा था, वो भी नहीं करवाई। उसको ये आर्टवर्क बनाने को कहा था, वो भी नहीं कर रहा। उसको घर के काम ज्यादा है। यूं एक दूसरे के ऊपर इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं जब कोई मिलके काम कर रहे होते हैं। बिजनेस में ऑब्वियसली पैसा इन्वॉल्व होता है, तो शुरू शुरू में तो चीजें अच्छी लग रही होती है, लेकिन बाद में ये मसले बढ़ते जाते हैं जब कोई, हर कोई कहता है कि यार मैं बहुत ज्यादा काम कर रहा हूं और सामने वाला काम नहीं कर रहा। तो उस वजह से बेहतर क्या होता है कि पार्टनर्स की सैलरी डिसाइड कर ली जाए, कि जो बंदा काम करेगा, जो बंदा एक्टिव इन्वॉल्व होगा, वो अपनी सैलरी उठाएगा। तो वो पार्टनर्स जो मैनेजमेंट में इन्वॉल्व है, वो बेसिकली बिजनेस को दो तरह के सर्विसेज दे रहे हैं या दो तरह की एक्टिविटीज रख रहे हैं। एक तो वो बिजनेस के एम्प्लॉय यानी मैनेजमेंट की हैसियत में काम कर रहे हैं, और दूसरा वो बिजनेस की इन्वेस्टमेंट की हैसियत में काम कर रहे हैं। तो उन्होंने जो पैसे दिए हैं उनको पैसों का हिस्सा मिलेगा, वो जो काम कर रहे हैं उनको काम का उजर मिलना चाहिए, जिसको हम सैलरी कहते हैं। अच्छा, दूसरा प्रॉफिट शेयरिंग, क्योंकि आपस में डिसाइडेड होनी चाहिए। तो जितना भी प्रॉफिट बिजनेस करेगा वो उनके करंट अकाउंट में चार्ज कर दिया जाएगा। अच्छा, अब पार्टनरशिप में इसके अलावा सबसे बड़ा मसला क्या होता है, वो होती है ड्राइंग्स। चार में से एक या दो पार्टनर्स ऐसे होते हैं, सुनने में तो हमेशा ये आता है कि मैं नहीं उठाता, बाकी तीनों उठाते हैं। होता क्या है कि एक पार्टनर कहता है कि यार मैं तो विड्राइंग्स नहीं कर रहा, मैं सोच रहा हूं कि पैसा बिजनेस का बिजनेस में रहे और हम ज्यादा से ज्यादा उसके ऊपर बिजनेस करें, ताकि बैंक से लोन ना लेना पड़े, बैंक से ओवरड्राफ्ट ना लेना पड़े। लेकिन उसकी वजह से इश्यूज होते हैं। तो बेहतर क्या होगा कि जो ड्राइंग्स इनकी आपस में एग्रीड हो वो तो ठीक है, लेकिन जो भी पार्टनर एक लिमिट से ज्यादा विड्रॉइंग्स करेगा, ड्राइंग्स करेगा, हम उस पार्टनर को इंटरेस्ट चार्ज करना शुरू हो जाएंगे। तो वो पार्टनर्स जिन्होंने एक लिमिट से ज्यादा पर्सनल एक्सपेंसेस का अमाउंट उठाया हुआ है बिजनेस से, तो अगर हम कहते हैं खैर है दोस्त है, तो खैर है दोस्त वाला चक्कर नहीं रहता। ये बहुत ही गलत अप्रोच है हमारी कि हम कहते हैं कि ठीक है क्या हो गया, नहीं ऐसा नहीं है, हिसाब हिसाब है। होना ये चाहिए कि अगर कोई भी पार्टनर बाकी पार्टनर से ज्यादा या जो भी पार्टनर्स एक लिमिट से ज्यादा पर्सनल यूज के लिए पैसे विड्रॉ करते हैं बिजनेस से, उनके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होना चाहिए। या कभी कभी इस बात पे भी एतराज होता है कि मैंने इन्वेस्टमेंट ज्यादा की हुई है, बाकियों ने इन्वेस्टमेंट कम की हुई है। तो अगर किसी की इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो हम उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे भी कर सकते हैं। अगर चीजें
वेल डिफाइंड होंगी, क्लियर होंगी, वेल एग्रीड होंगी। हमारे यहाँ तो बहुत सारे लोग कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करते हैं कि सही है यार, अब आपस में दोस्ती है, लिख के क्या लेंगे। या जिस तरह हम किसी से पैसे लें तो हम गिनते नहीं हैं। कोई बोलता है यार गिन तो ले, तो हम कहते हैं खैर यार तुमने दिए हैं, गिनने की क्या जरूरत है। इट्स नॉट कि हम आप पे डाउट कर रहे हैं, लेकिन हर चीज को ब्लैक एंड व्हाइट में रखना चाहिए, हर चीज को क्लियर रखना चाहिए, तो चीजें बेहतर चलती हैं। अगर आप चीजों को कैजुअली लेके चलेंगे तो फिर आगे वो बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। सो व्हाट हैपेंस नॉर्मली, हमारे यहाँ पाकिस्तान में अक्सर पार्टनरशिप वाले बिजनेसेस जो बड़े कामयाब जा रहे होते हैं वो चलते चलते ठप हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। सो दिस इज मेनली एन इशू कि कुछ अरसा चलने के बाद हर पार्टनर को लगता है कि मैं कोई बड़ी तोप हूँ और मैं कोई बड़ा काम कर रहा हूँ, बाकी पार्टनर्स वक्त ज़ाया कर रहे हैं, मेहनत नहीं करते हैं, इन्वेस्टमेंट इतनी ज़्यादा नहीं करते हैं और ड्राइंग्स भी ज़्यादा करते हैं, टाइम ज़्यादा नहीं देते हैं, एट्सेट्रा। तो पार्टनरशिप के लिए हम क्या करेंगे, हम तमाम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट्स भी रखेंगे जिसमें उनकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स और उनका विड्रॉल होगा। कोई अगर पार्टनर अपना अमाउंट पुल आउट करना चाहता है तो जितना पुल आउट करेगा वो भी इसमें आ जाएगा। और उनके करंट अकाउंट्स भी रखेंगे कि उनके हिस्से में कितना प्रॉफिट आया है, उनकी ड्राइंग्स पे कितना इंटरेस्ट लगा है, उनके कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट मिला है और अल्टीमेटली उनके करंट अकाउंट में कितना कितना बैलेंस मौजूद है। पार्टनरशिप में ऑल्दो बहुत अभी डिटेल्ड कैलकुलेशंस चलती हैं जिसमें किसी पार्टनर की डेथ होने की सूरत में, किसी पार्टनर के विड्रॉ होने की सूरत में एक गुडविल का हिसाब किताब रखा जाता है, लेकिन हम उस लेवल पे ऑब्वियसली नहीं जा पाएंगे एज आई बीन डिस्कसिंग कि हमारे यहाँ टाइम बड़ा लिमिटेड रहता है एंड वी हैव गॉट मिक्स ऑफ ए लेवल्स एंड बोर्ड स्टूडेंट्स, तो हम अकाउंटिंग को उस लेवल पे लेके नहीं जा सकते। बहरहाल तो पार्टनरशिप में हम क्या करेंगे, एक कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और एक करंट अकाउंट बनाएंगे। तो एक तरीका हो गया किसी भी बिजनेस को चलाने का, वो होता है सोल प्रोप्राइटरशिप जिसमें एक ही बंदा बिजनेस का मालिक होता है, तो इन्वेस्टमेंट भी उसकी, विड्रॉल्स भी उसी के, प्रॉफिट भी उसी का, लॉस भी उसी का। लेकिन पार्टनरशिप में क्योंकि दो या दो से ज्यादा बंदे इन्वॉल्व हैं तो फिर हिसाब किताब क्लियर रखना पड़ता है कि कौन से पार्टनर का कितना अमाउंट बिजनेस में इन्वेस्टेड है। तीसरा, सोर्स हम यूज करते हैं दैट इज कॉर्पोरेशन। इसका मकसद है हम क्या करते हैं, एक बिजनेस को एज अ कंपनी रजिस्टर करते हैं। अच्छा, कंपनी रजिस्टर होने के बाद बिजनेस के जितने भी ओनर्स हों उनको रेफर किया जाएगा एस शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स कोई भी कंपनी के अंदर बैठ के डिसीजन नहीं ले सकते, ओके, क्योंकि अब आपके ऑनर्स बिजनेस डिसीशंस या बिजनेस एक्टिविटीज का हिस्सा नहीं बन सकते, तो अब जो भी फैसला होगा मुश्तरका फैसला होगा, म्यूचुअल कंसेंट होगा, म्यूचुअल डिसीशन होगा, सबके लिए होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, जब भी कंपनी शेयर्स इशू करती है उसको हम नाम देते हैं ऑर्डिनरी शेयर्स। तो कंपनी के जितने भी शेयर्स हैं वो ऑथराइज किए जाते हैं बाय सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन बताएगा कि आपकी कंपनी कितने शेयर्स इश्यू कर सकती है,
आप कितने नंबर ऑफ शेयर्स इश्यू कर सकते हैं? और दूसरा, हर शेयर की एक होती है पार वैल्यू, जिसको हम पार वैल्यू भी कहते हैं, जिसको फेस वैल्यू भी कहा जाता है, जिसको लीगल वैल्यू भी कहा जाता है, या जिसको नॉमिनल वैल्यू भी कहा जाता है। ये वैल्यू भी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन डिसाइड करता है। तो अगर एक कंपनी अपने शेयर्स इश्यू करना चाहे तो वो इन्वेस्टर्स को दावत देती है, इन्वेस्टर्स को इनवाइट करती है कि वो अब हमारी कंपनी के शेयर्स खरीद सकती हैं। देखिए, पार्टनरशिप में हम बंदा देखकर उसको पार्टनर बनाएंगे। ऐसा नहीं कि जो भी चाहता है हमारा पार्टनर बनना वो हमारा पार्टनर बन जाए, बिकॉज पता है कि हमारे लिए मसला क्रिएट कर सकता है कोई ऐसा बंदा जो कि बड़ा लिचड़ है, या जो कभी किसी चीज से सेटिस्फाइड नहीं होता, या जिसको हम जानते नहीं है, या जो बड़ा फड्डेबाज है। तो ऐसे किसी बंदे को अगर हमने अपने बिजनेस का पार्टनर बना दिया तो हमारे गले में आएगा। इसलिए हम पार्टनर्स की शक्ल देख के, उनका इखलाक देख के, उनको अच्छे तरीके से जान पहचान के फिर ऑफर कर सकते हैं पार्टनरशिप। लेकिन ऑर्डिनरी शेयर्स के केस में आप बंदा नहीं देख सकते, क्योंकि इनिशियली आपके शेयर्स कौन खरीदता है, बाद में वो शेयर्स किसी और के पास चले जाएं ऐसा मुमकिन है। तो एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर को अपने शेयर्स दे दे ऐसा मुमकिन है। तो आप यहाँ पे बंदा पसंद नहीं कर सकते, आपने शेयर्स देने फिर किसी के पास भी हो। लेकिन इतना फायदा आपके पास है कि कोई भी बंदा हो आपके बिजनेस में इन्वॉल्व वैसे भी नहीं हो सकता। तो फेस वैल्यू, लीगल वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू होती है। अच्छा, अब हम रिकॉर्ड क्या करते हैं? हम कंपनी के पास इक्विटी के अंदर रिकॉर्ड करते हैं एक अकाउंट जिसका नाम होता है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में हमेशा क्या दिखाया जाएगा? जितने भी शेयर्स आपने इश्यू किए हैं ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स इश्यूड, और इसको हमेशा 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 मल्टीप्लाइड रखा जाएगा बाय पार वैल्यू। बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि एक कंपनी की पार वैल्यू अगर 10 रुपीज है पर शेयर, तो वो अपना शेयर 10 रुपए के हिसाब से ही इश्यू करे, ऐसा जरूरी नहीं है। कंपनी अक्सर अपना शेयर पार वैल्यू से ज्यादा पे इशू करती है। इतने ज्यादा पे इशू करना चाहिए जितने पे कंपनी को भरोसा हो कि हमारा इन्वेस्टर हमारे शेयर्स खरीदेगा। जितना ऊपर अमाउंट पार से हम चार्ज करते हैं उसको नाम दिया जाता है शेयर प्रीमियम। ठीक है, जितने भी कंपनी शेयर्स इशू करती है तो ये होगा जितने पे कंपनी ने इश्यू किया माइनस जो भी कंपनी की पार वैल्यू है, ये रहेगा शेयर प्रीमियम। इसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं थोड़ी देर में। नेक्स्ट आएगा रिटेंड अर्निंग्स या रिटेन्ड प्रॉफिट्स। रिटेन्ड अर्निंग्स का मकसद री इन्वेस्टेड प्रॉफिट्स, यानी जितना भी बिजनेस ने प्रॉफिट किया। एक तो ऑप्शन था कि हम उसको विड्रॉ कर लेते, लेकिन यहां पे हर शेयर होल्डर अपनी मर्जी नहीं चला सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि 1,000 शेयर होल्डर्स कहें कि हमें हमें हम विड्रॉ कर रहे हैं और बाकी 9,000 कहें नहीं, हम विड्रॉ नहीं कर रहे, ऐसा मुमकिन नहीं होगा। अगर बटेगा तो सबको मिलेगा,
अगर ड्रॉइंग्स होंगी तो फिर सबकी होंगी, कोई इन्वेस्टर ड्रॉ करे कोई इन्वेस्टर विड्रॉ ना करे ऐसा मुमकिन नहीं है। बहरहाल ये बनेगी रिटेन्ड अर्निंग्स। एक टर्म हम इसमें पढ़ेंगे जिसका नाम है डिविडेंड्स। डिविडेंड्स अब बेसिकली एक नया नाम है फॉर ड्रॉइंग्स। लेकिन ड्रॉइंग्स नॉर्मली इन्वेस्टर अपनी मर्जी से करता है, डिविडेंड्स इन्वेस्टर अपनी मर्जी से नहीं उठा सकता। और ये क्योंकि बटेगा तो सबको मिलेगा, तो इसको हम कहते हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ऑब्वियसली डिविडेंड किसी भी बिजनेस का खर्चा नहीं है, ये प्रॉफिट का हिस्सा है जो कि इन्वेस्टर्स को या जो शेयर होल्डर्स को दिया जा रहा है। तो ये ड्रॉइंग्स हैं। ड्रॉइंग में और एक्सपेंस में फर्क है, डिविडेंड्स में और एक्सपेंस में फर्क है। एक्सपेंसेस वो हैं जो कि बिजनेस को चलाने के लिए जरूरी है, वो खर्चे निकालने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा अगर हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अगर हम उसको पे आउट करते हैं, तो वो बेसिकली डिविडेंड्स बनेंगे। अच्छा, शेयर कैपिटल और प्रीमियम का क्या होगा? लेट्स अज्यूम एक कंपनी, लेट्स से इसका नाम वायर लिमिटेड है, वो इश्यू करती है 5 लाख। अब मैं शेयर्स का नाम लिख रहा हूं 10 रुपीज ऑर्डरी शेयर्स। जो भी अमाउंट इंस्ट्रूमेंट के नाम के साथ लिखा जाएगा वो उसकी पार वैल्यू होती है। तो हमारी कंपनी ने इश्यू किए हैं 500,000 10 रुपीज ऑर्डरी शेयर्स। तो जो 10 रुपीज है वो बेसिकली पार वैल्यू है। लेकिन हमने ये शेयर्स इश्यू किए हैं लेट्स से 13 रुपीज ईच। वैसे हमारे शेयर की पार वैल्यू है 10 रुपए, लेकिन हमने इन्वेस्टर से लिए हैं 13 रुपए। शेयर्स आपने कितने इश्यू किए? 5 लाख रुपए। आपको पैसे कितने मिलेंगे? अगर हम 5 लाख शेयर्स इश्यू करते हैं 13 रुपए के हिसाब से, तो पैसे कितने मिलेंगे? 65 लाख। ठीक है, 65 लाख, तो 6,500,000 कहां से मिले हैं? क्रेडिट करेंगे हम शेयर कैपिटल। हर शेयर की पार वैल्यू है 10 रुपए, तो 10 रुपए के हिसाब से 5 लाख शेयर्स की वैल्यू क्या बनती है? 5 मिलियन, करेक्ट। तो ये हमने क्रेडिट किया शेयर कैपिटल में। पार वैल्यू से ऊपर जितना भी आपको अमाउंट मिला है उसको हम प्रॉफिट या लॉस में नहीं लेके जाते, बल्कि उसको हम रखते हैं एज अ शेयर प्रीमियम। आपको एक्स्ट्रा कितना मिला है? 10 रुपए का शेयर था, आपने 13 रुपीज में इश्यू किया है, तो आपको एक्स्ट्रा कितने पैसे मिले हैं? 3 रुपए। 3 × 5 लाख इज 15 लाख, करेक्ट नबी? हम तो हम ऑर्डरी शेयर्स को हमेशा रिकॉर्डेड रखते हैं।
एक अमाउंट पार पे और एक अमाउंट प्रीमियम पे। शेयर कैपिटल में हमेशा पार ही जाता है। अब इन शेयर होल्डर्स को बेसिकली हम एक एक शेयर दे चुके हैं, अब जितना भी प्रॉफिट होगा वो इन तमाम शेयर्स में तकसीम किया जाएगा, अगर सारा का सारा देना चाहें तो। जितना भी हम पे आउट करेंगे, जितना भी हम डिविडेंड देंगे, वो 5 लाख शेयर्स पे तकसीम होगा। जिस शख्स के पास, जिस इंडिविजुअल के पास, जिस एंटिटी के पास जितने शेयर्स होंगे, मिसाल एक इन्वेस्टर है जिसने एक साथ आपके 20,000 शेयर्स खरीद लिए हैं, एक इन्वेस्टर है जिसने आपके 50,000 शेयर्स खरीद लिए हैं, मुमकिन है। हम 5 लाख शेयर्स का मकसद 5 लाख शेयर होल्डर्स नहीं है, 5 के 5 लाख शेयर्स एक ही बंदा खरीद ले ऐसा भी मुमकिन है। बहरहाल हम शेयर्स के ऊपर उसका डिविडेंड रखेंगे, जितना भी डिविडेंड होगा वो सबको बांटा जाएगा। तो हम जब रिटेन अर्निंग्स कैलकुलेट करते हैं, रिटेन्ड यानी री इन्वेस्टेड अर्निंग्स मतलब प्रॉफिट, रिटेन्ड अर्निंग्स री इन्वेस्टेड प्रॉफिट्स, हम ये देखेंगे कि साल के बिगिनिंग में हमारी कंपनी ने कितने प्रॉफिट्स जमा किए हुए थे। फिर इस साल अगर बिजनेस ने प्रॉफिट किया है तो जितना भी नेट प्रॉफिट होगा वो हमारे रिटेनिंग्स में जमा हो जाएगा। इसी तरीके से अगर लॉस हुआ तो लॉस हमारे रिटेनिंग से माइनस हो जाएगा। अगर कंपनी ने कोई भी डिविडेंड्स दिए हैं, डिविडेंड्स का मकसद याद रखें ड्राइंग्स हैं, लेकिन ड्राइंग्स इन्वेस्टर का डिसीजन होता है, डिविडेंड्स देना मैनेजमेंट का डिसीजन होगा। और अगर डिविडेंड्स पे आउट होगा तो सारे शेयर होल्डर्स को मिलेंगे। कोई शेयर होल्डर्स ड्राइंग करे, कोई शेयर होल्डर ड्राइंग ना करे, ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि हर शेयर दूसरे शेयर जैसा ही होगा। ये बन जाएंगी हमारी क्लोजिंग रिटेन अर्निंग्स। तो कंपनीज एक तो शेयर इशू करती हैं, जिसको हम कहते हैं फुल प्राइस इश्यू, कंपनी को आइंदा जब भी कभी पैसे चाहिए होते हैं तो वो इन इन्वेस्टर से पूछता है। लिहाजा कंपनीज अक्सर इन इन्वेस्टर्स को एक ऑप्शन देती है जिसको नाम दिया जाता है राइट्स इश्यू का। व्हाट इज राइट्स इश्यू एक्चुअली? कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑप्शन देती है कि आप हमारे मजीद शेयर्स खरीद दें। सो दीज आर शेयर्स इश्यूड टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। तो अगर आपके शेयर होल्डर्स वेल सेटिस्फाइड हैं आपकी परफॉर्मेंस से और उनको खुशी है आपकी कंपनी के शेयर्स खरीदकर, तो आपकी कंपनी उनको ऑप्शन देती है, अगर आपकी कंपनी को मजीद पैसे चाहिए तो नए लोगों को मजीद आपकी कंपनी का शेयर होल्डर बनाने से बेहतर है कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से ही पूछ लें कि अगर उनके पास कुछ मजीद पैसे हैं तो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करें। तो हम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर इशू करते हैं, लेकिन उनको एडवांटेज देते हैं कि हम उनको मार्केट वैल्यू के मुकाबले में शेयर थोड़ा सस्ता इशू करते हैं।
ठीक है, पार वैल्यू से सस्ता इशू नहीं कर रहे, हम इसको मार्केट वैल्यू से सस्ता इशू कर रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं राइट्स इशू। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही मजीद शेयर्स दिए जाते हैं, लेकिन इन्वेस्टर का ऑप्शन है वो इसको एक्सरसाइज करता है या नहीं करता। वो अगर नहीं इन्वेस्ट करना चाहता तो उसकी मर्जी है, वो मजीद उसके पैसे नहीं फंसेंगे। कभी कभी कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर्स देती है। बोनस शेयर्स का मकसद क्या होता है कि हम अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर्स देते हैं, जिसको हम कहते हैं बोनस इश्यू। इससे कंपनी को एक रुपया भी नहीं मिलता, लेकिन कभी अगर कंपनी के पास डिविडेंड देने के लिए पैसे ना हो, या कंपनी के पास पैसे हैं तो सही लेकिन उसके पास अपॉर्चुनिटीज हैं कि वो अपने बिजनेसेस में कहीं पैसे यूज कर सकती है, इन्वेस्टर्स को अगर पे आउट कर देंगे, डिविडेंड दे देंगे, तो कंपनी को कहीं से लोन ना लेना पड़ जाए, इसलिए हम क्या करते हैं अपने शेयर होल्डर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर्स दे देते हैं। अगर आपने फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर्स दिए तो क्योंकि आपको पैसे नहीं मिलेंगे तो हम डेबिट करेंगे शेयर प्रीमियम और क्रेडिट कर देंगे शेयर कैपिटल अकाउंट बाय पार वैल्यू। ठीक है, अब ये जितने भी डिफरेंसेस हैं ये सिर्फ इक्विटी के सेक्शन में रहेंगे कि कंपनी अपने पास इक्विटी को किस तरीके से शो करेगी। बाकी जितनी भी एसेट्स और लायबिलिटीज का सेक्शन होगा वो सेम रहेगा, सिर्फ बैलेंस शीट में इक्विटी एलिमेंट को अलग तरीके से शो किया जाएगा। ओके, ये हम एक क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, स्टेट्स के बेजल यस नबिया, रिवेल्यूशन रिजर्व्स भी आते हैं एंड जनरल रिजर्व्स भी आते हैं, लेकिन ऑब्वियसली हमने आईएएस 16 के रिवेल्यूशन कवर नहीं किए हैं और ना ही कर सकते हैं, तो इस वजह से मैं वो सेक्शंस अभी इस पर डिस्कस नहीं कर रहा। मैं सिर्फ वही सेक्शंस डिस्कस कर रहा हूँ जो हमने हम कवर कर सकते हैं, बाकी रिवेल्यूशन सरप्लस हम वैसे रखते तो हैं लेकिन यहाँ पर नहीं आ सकता। Okay, so the company is Basel company has the following trial balance as of 31st May 2011. As discussed, ke company apne trial balance banayegi. To is company ne apna 31 May 2011 pe trial balance banaya hai. Isme kuch cheeze aap dekh sakte hain. Is company ke paas ek land hai, theek hai, zameen hai, jo ki apni cost pe recorded hai. Aur uski cost hai 1,460,000 लैंड नेचुरली क्योंकि एक एसेट है ऑफ कोर्स, तो इस वजह से ये डेबिट पे आ रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं डीआर डेबिट, और डेबिट पे दिख रही है जमीन। जमीन की कभी भी लाइफ नहीं हो सकती, ठीक है, लैंड बिकॉज इनडेफिनेट लाइफ है उसकी, तो हम उसको डेप्रिशिएट भी नहीं कर सकते। अच्छा, दूसरा इसके पास है प्लांट जो कि कंपनी ने खरीदा था 13,62,000 का, 13,62,000 का,
प्लांट की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, आप डेट नोट कर सकते हैं, ये कब की है? फर्स्ट जून 2010। और हम ये क्लोजिंग कब कर रहे हैं? हम क्लोजिंग कर रहे हैं ऑन 31st मई 2011। एक साल का डिफरेंस आ गया, यानी इस प्लांट की इस साल की डेप्रिसिएशन चार्ज की हुई नहीं है। अच्छा, उसके बाद बिल्डिंग्स है डेबिट पे 40 लाख की, और बिल्डिंग्स की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो भी कब की है? फर्स्ट जून 2010 की, यानी इसकी भी इस साल की डेप्रिसिएशन चार्ज की हुई नहीं है। उसके बाद कंपनी के पास इनटेंजिबल एसेट्स हैं। इनटेंजिबल एसेट्स को मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूं कुछ अमाउंट। तो इनटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू है 3,84,000, बैंक बैलेंस भी डेबिट पे है, इन्वेंट्री की वैल्यू कब की गिवन है? 1st जून 2010 की गिवन है, रिटेन अर्निंग्स क्रेडिट पे आ रही है वो भी 1st जून 2010 की गिवन है, यानी इसमें इस साल का प्रॉफिट शामिल नहीं है, इस साल के डिविडेंड शामिल नहीं है। 10% लोन नोट्स यानी हमारी लायबिलिटी है वो 3 लाख की है, इंटरेस्ट पेड है 30 का, ऑर्डरी शेयर्स के नाम के साथ लिखा हुआ है $1। $1 का मकसद क्या होगा? $1 इसकी पार वैल्यू है। उसके बाद शेयर प्रीमियम है, डिविडेंड्स पे हमने इतने किए हैं, रेवेन्यू हमारा 11,700 का है, रिटर्न इनवर्ड्स इसमें वापस हमारे पास जो सेल्स आ गई है वो 217 की है, परचेजेस हमने इस साल 68,50,000 की है, वेजेस और सैलरीज 11,20,000 की हैं, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 108 का है, एडमिन एक्सपेंस 500 का है, इंश्योरेंस है, इनफैक्ट अलाउंसेस फॉर रिसीवेबल्स ये भी कब के गिवन है? 1st जून 2010 के गिवन है, डिस्काउंट रिसीव्ड हमें सप्लायर ने डिस्काउंट दिया है कैश डिस्काउंट, ट्रेड पेएबल हमारी लायबिलिटी है, ट्रेड रिसीवेबल डेबिट पे आ रहे हैं, और डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन यानी सैलरी भी डेबिट पे आ रही है। अच्छा, अब सिलसिला क्या है कि हम जो स्टेटमेंट्स बनाते हैं वो स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ कोर्स। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का इस हवाले से क्या कहना है, हम उस चीज को डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, अभी आप एक्सेल की शीट मेरे सामने देख सकते हैं, हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं ये बनाई जाती हैं एज पर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। ये इसका कुछ फॉर्मेट स्पेसिफाई करता है, मिसाल इसका जो नाम है, अब इस क्वेश्चन में हमारे कंपनी का नाम क्या था? बेजल। और इसमें हमने नाम रखा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड। क्वेश्चन में ईयर कब एंड हो रहा है? 31st मई 2011। IS-1 ये कहता है कि इस स्टेटमेंट को बहुत ज्यादा डिटेल्ड नहीं रखें। आप क्या करें, इस स्टेटमेंट को डिवाइडेड रखें, एक इसकी कैटेगरी आप बनाएं कॉस्ट ऑफ सेल की, दूसरी आप इसकी कैटेगरी बनाएं एडमिन एक्सपेंसेस की, और तीसरी आप इसकी कैटेगरी बनाएं डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस की। कॉस्ट ऑफ सेल से हमारा मकसद क्या होगा कि जितनी भी हमारी प्रोडक्शन के अंदर कॉस्ट आएगी वो एडमिन एक्सपेंस में हमारा ऑफिस का खर्चा और डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा सेलिंग का खर्चा आएगा। स्टैंडर्ड ये कहता है कि हर एक खर्चे को स्टेटमेंट में दिखाना सूटेबल नहीं होगा, लिहाजा आप इन खर्चों को इन तीन कैटेगरीज के अंदर तकसीम कर दें।
ठीक है, इन कैटेगरीज के अंदर हमने इन खर्चों को तकसीम करना है। कैसे करेंगे वो हम डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन ये इस वजह से है, जिस तरह आप कभी कोई मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ करें या लेट्स से फेसबुक यूज़ करें, तो अगर उसमें सारी की सारी चीज़ें आपके फ्रंट पे आ जाएंगी तो उसको स्टडी करने में, रीड करने में मज़ा नहीं आएगा। हमें क्या करता है, वो एक लोगो बना देता है, एक नोटिफिकेशन बना देता है कि ये नोटिफिकेशंस हैं, इनमें से जो जो चीज़ें आपको पढ़नी हो आप उसको क्लिक करके फर्दर डिटेल में जा सकते हैं। तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, हम इनको कंसाइज रखेंगे स्टेटमेंट्स को। सबसे पहले स्टेटमेंट में रखा जाएगा रेवेन्यू। आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि हमारा रेवेन्यू कितना है, ये रहा हमारा रेवेन्यू 11,700। तो हमने रेवेन्यू के आगे लिख दिया 11,700, लेकिन इसमें से कुछ सेल्स हमारे पास वापस आई हैं, रिटर्न इनवर्ड्स हुई हैं, यानी कस्टमर ने हमें वापस कर दिया, वो कितना है 217 का। ठीक है, तो हमारा ये आ गया टोटल रेवेन्यू, टोटल सेल्स, जिसमें 11,700 की सेल्स हैं एंड 217 की रिटर्न्स हैं। इसमें से हम माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में नॉर्मली क्या रखा जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में नॉर्मली रखा जाता है ओपनिंग इन्वेंट्री, यानी साल के बिगनिंग में हमारे पास कितनी इन्वेंट्री थी, प्लस परचेजेस रखी जाती हैं, प्लस कैरिज इनवर्ट की कॉस्ट रखी जाती है ट्रांसपोर्ट की, और माइनस किया जाता है क्लोजिंग इन्वेंट्री को। तो हम रखेंगे ओपनिंग इन्वेंट्री जो कि साल के बिगनिंग में हमारे पास मौजूद थी, प्लस करेंगे परचेजेस जो इस साल हमने फर्दर खरीदी हैं, कैरिज इनवर्ट्स ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अगर कोई आई है तो, और क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस कर देंगे। क्वेश्चन में देखते हैं ओपनिंग यानी 1 जून 2010 में हमारे पास इन्वेंट्री कितनी थी। कैन यू लोकेट 1 जून 2010 में हमारे पास इन्वेंट्री कितनी थी। फिर तो हम यहां पे रखेंगे हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री थी 990 की। उसके बाद हम देखेंगे कि हमने इस साल परचेजेस कितनी की हैं। कैन यू लोकेट इस साल हमारी परचेजेस कितनी है। कैरिज इनवर्ट्स के हमने कोई कैरिज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बियर की है या नहीं, हमने अब तक जितने भी आइटम्स पढ़े इसमें कहीं भी कैरिज इनवर्ट्स की कॉस्ट थी नहीं। इसी तरीके से अगर रिटर्न आउटवर्ड होते यानी हमने सप्लायर को गुड्स वापस कर दिए होते तो वो हम यहां से माइनस करते। अच्छा, अब आप नोट की तरफ आ जाएं। कहता है एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन ये कह रही है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री जो कि साल के आखिर में है वो है 4,65,000 की। ठीक है, तो हमने इसको रख दिया 4,65,000 का, सॉरी नॉट है, ये आ गया 4,65,000। तो ये आ गया हमारा कॉस्ट ऑफ सेल, जिसको करने का तरीकेकार हमने क्या रखा, हम रखेंगे ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस करेंगे परचेजेस और माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन हमारी फैक्ट्री के अंदर, ठीक है, प्रोडक्शन का मकसद है मेरा फैक्ट्री, हमारी फैक्ट्री के अंदर जितने भी अखराजात होंगे वो सारे के सारे कॉस्ट ऑफ सेल में रखे जाएंगे। अब हम कुछ फर्दर इंफॉर्मेशन रीड कर लेते हैं। कहता है देयर आर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस ऑफ 88,000 आउटस्टैंडिंग, यानी 31 मई पे अभी हमारे 28,000 रुपए का बिजली का बिल आउटस्टैंडिंग है।
यानी अक्रूड है। आपका क्या ख्याल है? क्योंकि हमने इसको मई 2011 तक पे नहीं किया, तो हम इसको मई 2011 तक खर्चा भी ना माने। यस, व्हाट डू यू थिंक? अगर मई 2011 तक हमने 28,000 रुपए के बिजली का बिल पे नहीं किया, तो हम इसको खर्चा भी ना माने। जबकि हम कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं? हम कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं अक्रूअल कॉन्सेप्ट। और अक्रूअल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप खर्चा पे करें या ना करें, लेकिन एक्सपेंस होना चाहिए। अगर आपने सर्विसेज ले ली हैं तो अच्छा, तो हम यहां पे नोट लगा रहे हैं, अक्रूड इलेक्ट्रिसिटी का इसको हम डेबिट कर लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस में, और क्रेडिट कर लेते हैं अक्रूड इलेक्ट्रिसिटी यानी हमारी लायबिलिटी। कितना अमाउंट है? 88,000 का। क्योंकि हम 000 में काम कर रहे हैं, तो मैं सिर्फ 88 रख रहा हूं, 1000 फिगर्स राउंडेड है। उसके अलावा कहता है कि ऊपर जो इंश्योरेंस का एक्सपेंस गिवन है, आप यहां पे देख सकते हैं, यहां पे हमें इंश्योरेंस का एक्सपेंस गिवन है 108 का डेबिट पे। नोट नंबर 3 कहता है कि इंश्योरेंस एक्सपेंसेस इंक्लूड 14,000 फॉर जून एंड जुलाई 2011। हम कहां पे खड़े हैं? हमारा साल खत्म हो रहा है मई 2011 में, और 14,000 कौन से महीनों के हैं? जून और जुलाई के। क्या समझते हैं? क्योंकि हमने दे दिए हैं तो हम उसको खर्चा मान लें, क्योंकि हमने दे दिए हैं तो इसको खर्चा मान लें, क्योंकि हम अक्रूअल कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं, तो हम कहेंगे जब तक हम सर्विसेज नहीं ले लेंगे तब तक हम इसको खर्चा नहीं मानेंगे। तो ये बन जाएगा हमारा प्रीपेड इंश्योरेंस। अच्छा, अब इसकी डबल एंट्री क्या करनी चाहिए हमें? 14,000 एडवांस में पेड है, तो हम डेबिट कर देंगे प्रीपेड इंश्योरेंस यानी एज एन एसेट। अमाउंट कितना है? 14,000 का। और क्रेडिट कर देंगे इंश्योरेंस एक्सपेंस, क्योंकि आपने इसको खर्चा मान लिया है जबकि इसको खर्चा मानना नहीं चाहिए था। इसको खर्चा हम तब मानेंगे जब इसकी सर्विसेज मिल जाएंगी जून और जुलाई में। पे एडवांस में कर दिए, इसका मकसद हरगिज भी नहीं है कि ये खर्चा हो चुका है। नेक्स्ट, नोट नंबर 4 क्या कह रहा है? द अलाउंस फॉर रिसीवेबल्स इज टू बी इंक्रीज टू 5% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स। ऊपर क्वेश्चन में देख के बताएं हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स हैं कितने। लोकेट करें ट्रेड रिसीवेबल्स कितने हैं। सो वी हैव गॉट ट्रेड रिसीवेबल्स तो उसका क्लोजिंग बैलेंस कितना आएगा? 1900 का कितना परसेंट बोला है इसने? 5%। ये आ गया 5%। तो क्लोजिंग बैलेंस है 95। जबकि आप ट्रायल बैलेंस में देखें हमारा अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट का ओपनिंग बैलेंस कितना है? अलाउंस फॉर रिसीवेबल्स का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 62। तो हम देखेंगे इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। थर्टी थ्री से इंक्रीज इन अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट है, जिसको हम मानेंगे रिसीवेबल एक्सपेंस। ऐसा
तो हमने क्या किया, 1900 के रिसीवेबल्स हैं, उसका 5% लगाया, जो कि हमारा आंसर आया 95, और 62 ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में गिवन है, तो हमें पता चला कि इस साल हमारे रिसीवेबल्स में 33,000 का इजाफा हुआ है। नोट नंबर 5 कहता है, प्लांट इज डेप्रिशिएटेड एट 20% पर एनम यूजिंग द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। क्या आप मुझे रिकॉल कर सकते हैं कि हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में परसेंटेज किस पे लगाते हैं, कॉस्ट पे लगाते हैं कि नेट बुक वैल्यू पे लगाते हैं? करेक्ट, नेट बुक वैल्यू पे। प्रिया, इट्स आरबीएम, इट्स नॉट स्ट्रेट लाइन। अगर स्ट्रेट लाइन होता तो हम कॉस्ट पे लगाते थे, लेकिन क्योंकि ये आरबीएम है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, तो ये 20% हम किस पे लगाएंगे, नेट बुक वैल्यू पे। अच्छा, नाउ लेट्स सी कि हमारे प्लांट की नेट बुक वैल्यू है कितनी। क्वेश्चन में देखते हैं प्लांट की कॉस्ट कितनी है। नोट नंबर 2 है, पहला पहला टॉप पे 1362 माइनस फर्स्ट जून तक इसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी थी, 682। ये आ गया 682। तो ये हमारे प्लांट की नेट बुक वैल्यू है एट फर्स्ट जून 2010। ऐसा, फर्स्ट जून 2010, इस पे हम लगाएंगे डेप्रिसिएशन। कितना परसेंट डेप्रिसिएशन है, 20%। हम क्या करेंगे, इस पे लगाएंगे 20%। ठीक हो गया? तो हमने पहले रखा प्लांट की नेट बुक वैल्यू, यानी कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। जितनी भी प्लांट की कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, जो कि नेट बुक वैल्यू है, उस पे हमने लगा दी 20% डेप्रिसिएशन। अब हमारी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी हो गई, ऑलरेडी आपकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी 682 की, प्लस इस साल आपने डेप्रिसिएशन चार्ज की है 136 की, ये होगी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो अगर हम प्लांट की नेट बुक वैल्यू रखें एट 31 मई 2011, तो इसकी कॉस्ट कितनी थी, 1362 माइनस, और इसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 818। तो अब इसकी जो नेट बुक वैल्यू आएगी वो 544 होगी, और इस साल हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 136 की। क्लियर है? किसी को कंफ्यूजन है तो डिस्कस कर लें। ओके, उसके अलावा नोट है, बिल्डिंग्स आर डेप्रिशिएटेड एट 5% पर एनम ऑन देयर ओरिजिनल कॉस्ट, यानी ये कॉस्ट पे डेप्रिशिएट हो रही है बिल्डिंग, ना के आरबीएम पे। तो हम अब डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग चार्ज करेंगे, तो बिल्डिंग की कॉस्ट ट्रायल बैलेंस में कितनी गिवन है, 4600। डेप्रिसिएशन इस साल कितनी चार्ज करेंगे, क्या परसेंटेज हम चार्ज करें बिल्डिंग पे, 5% ऑन देयर कॉस्ट। तो ये अगर कॉस्ट का 5%, ठीक है, कॉस्ट का 5%। तो हम देखेंगे कि अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी हो चुकी है एट 31 मई 2011। क्वेश्चन में देखें बिल्डिंग की ऑलरेडी कितनी डेप्रिसिएशन है, 372। ठीक है, बिल्डिंग की ऑलरेडी डेप्रिसिएशन है 372,
प्लस इस साल कितनी चार्ज हुई है 230। तो नेट बुक वैल्यू कैसे निकालेंगे, कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, यानी कॉस्ट 4400 माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 602, ये आ गई हमारी बिल्डिंग की नेट बुक वैल्यू। नेक्स्ट नोट, लैंड इज टू बी वैल्यूड एट 15,50,000 एज फ्रॉम 31 मई। क्योंकि हमने रिवैल्यूएशन नहीं पढ़ा तो इसके लिए मैं इसको इस लाइन को कैंसिल कर रहा हूं यहां से, यानी ये हमारे इसके इसमें कवरेज नहीं हो रही है। ठीक है, मैं इसको एलिमिनेट कर रहा हूं। नेक्स्ट नोट क्या था, नोट नंबर 8। द इंटेंजिबल एसेट्स वर परचेज ऑन 1st December 2010। आप थोड़ा टाइम गिन लें कि कितना टाइम हो गया है। ये बात कर रहा है हमने इंटेंजिबल एसेट्स खरीदे हैं 1st December 2010 पे, और आज हम कहां पे खड़े हैं, 31 मई 2011। तो दिसंबर फर्स्ट का है, यानी दिसंबर भी काउंट होगा, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 6 महीने हो चुके हैं, एंड हैव अ यूजफुल लाइफ ऑफ 4 इयर्स फ्रॉम दैट डेट। इंटेंजिबल एसेट्स को डेप्रिशिएट नहीं किया जाता, इंटेंजिबल एसेट्स की डेप्रिशिएशन को नाम दिया जाता है अमोर्टाइजेशन। ठीक है, इसको नाम देंगे अमोर्टाइजेशन। व्हाट इज अमोर्टाइजेशन, इट इज बेसिकली डेप्रिसिएशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। तो कॉस्ट कितनी है, आपने कितने में खरीदा हुआ इंटेंजिबल एसेट, यहां पे नोट में ऊपर ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ है 384 का, लेस करेंगे इसमें से अमोर्टाइजेशन, इस साल आप कितनी अमोर्टाइजेशन चार्ज करेंगे, वैसे इसकी टोटल लाइफ कितनी है, 4 साल, लेकिन हमें खरीदे हुए कितना टाइम गुजरा है, 6 महीने, यानी आधा साल। तो हम उसकी डेप्रिसिएशन किस तरीके से चार्ज करेंगे, कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय आधा साल यानी 0.5 डिवाइडेड बाय 4 साल। ठीक है, ऐसा ही है, कॉस्ट डिवाइडेड बाय 4 इयर्स, ये होगी सालाना डेप्रिसिएशन, इसको हम 0.5 से करेंगे तो 6 महीने की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। इसकी नेटबुक वैल्यू क्या आएगी, कॉस्ट माइनस accumulated amortization, तो intangible asset देखेगा 336 पे। किसी को confusion हो तो discuss कर लें। Okay, कहता है इस साल का tax हमने calculate किया है जो कि 3,10,000 रुपए का है, ऑब्वियसली रिकॉर्डेड नहीं है, ऊपर हमने देखा कहीं भी टैक्स का जिक्र नहीं था, तो हम टैक्स की डबल एंट्री पास करेंगे, ये भी हमारा अक्रूड टैक्स एक्सपेंस बनेगा कि हमारे ऊपर चार्ज हो चुका है लेकिन हमने अभी पे नहीं किया, तो डेबिट करेंगे टैक्स एक्सपेंस 310 का, क्रेडिट करेंगे टैक्स पेएबल या अक्रूड टैक्स 310 का। अच्छा, क्योंकि हम बात कर चुके हैं कि IS-1 के मुताबिक ये तमाम इखराजात फेस पे नहीं लिखे जाएंगे, तो आप ये चीज चेक करें,
इसने बता दिया है द एक्सपेंसेस लिस्टेड अबव शुड बी अपोर्शनड एज इंडिकेटेड. डिस्काउंट रिसीव्ड कहां जाना चाहिए? पूरा का पूरा 100% कॉस्ट ऑफ सेल में जाना चाहिए. इंश्योरेंस 50% डिस्ट्रीब्यूशन में जानी चाहिए, 50% एडमिन में जानी चाहिए. इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 60% कॉस्ट ऑफ सेल में, 20% डिस्ट्रीब्यूशन में, 20% एडमिन कॉस्ट में. अच्छा अब देखिए हम करेंगे किस तरीके से इसको. ये हमने सेक्शन यहां पे कॉलम बनाए हुए हैं, ये आ गया टोटल. अब हम चीजों को ऐड करते चलते हैं. इसने कहा डिस्काउंट रिसीव्ड कहां जाएगा? क्या लिखा हुआ है? डिस्काउंट रिसीव्ड कहां जाएगा? 100% कॉस्ट ऑफ सेल में. यहां आप देखें हमारे ट्रायल बैलेंस में डिस्काउंट रिसीव्ड है कितना? 590. आप मुझे एक बात बताएंगे कि डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है या एक्सपेंस है? सिंस इट्स इनकम तो यहां पे ये क्या है? ये कॉस्ट ऑफ सेल है. ठीक है, ये क्या है? कॉस्ट ऑफ सेल है. हम क्या करेंगे? कॉस्ट ऑफ सेल में से डिस्काउंट रिसीव्ड को माइनस करेंगे. डिस्काउंट रिसीव्ड कितना है? 590. क्योंकि अगर हमने कॉस्ट ऑफ सेल में डिस्काउंट को प्लस कर दिया तो कॉस्ट बढ़ जाएगी. सही है, क्योंकि अगर हमने कॉस्ट ऑफ सेल में डिस्काउंट को प्लस कर दिया तो कॉस्ट बढ़ जाएगी. मैंने इसको कर दिया यहां से माइनस और 100% मैंने यही रख दिया. दूसरा उसने क्या कहा है? इंश्योरेंस एक्सपेंस 50-50 होगा. पहले हम देखें इंश्योरेंस एक्सपेंस है कितना. ये देखें इंश्योरेंस एक्सपेंस है कितना? 108, जिसमें से 14 का तो प्रीपेड था, ध्यान रहेगा. इंश्योरेंस एक्सपेंस इस साल कितना चार्ज होगा टोटल में? यस एनीवन, इस साल इंश्योरेंस एक्सपेंस कितना चार्ज होगा प्रॉफिट लॉस में? इंश्योरेंस एक्सपेंस एज पर ट्रायल बैलेंस 108 का है, जिसमें से 14,000 एडवांस है. तो हम क्या करेंगे? 108 में से 14,000 को हटा देंगे, 94 चार्ज होगा. करेक्ट. और 94 कहां कहां चार्ज होगा? 50% डिस्ट्रीब्यूशन में, 50% एडमिन में. या 50% एडमिन में, 50% डिस्ट्रीब्यूशन में. ठीक है, किसी को कंफ्यूजन हो तो डिस्कस कर लें. तो इस साल हमारा एक्सपेंस बना 94 का, जो कि हमने एडमिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में चार्ज कर दिया. नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 60-20-20. इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस क्वेश्चन में कितना है? 542 और नोट में है 2, नोट 2, 88,000. तो इस साल हम इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस कितना चार्ज करेंगे? एनीवन? ओके, तो 542 का ट्रायल बैलेंस में है, 88 का अक्रूड है. रख के देखते हैं, 542 का ट्रायल बैलेंस में है, 88 का अक्रूड है. इट्स 630. करेक्ट. कहां कहां जाएगा? 60-20-20.
सॉरी 60 20 20 ठीक है 60 20 20% करके हमने चार्ज कर दिया। कहता है इंक्रीज इन अलाउंस फॉर रिसीवेबल 100% एडमिन एक्सपेंस में जाएगा। आप देखिए यहां हमने कैलकुलेट किया था इस साल इंक्रीज इन अलाउंस हुआ कितना है, इस साल इंक्रीज इन अलाउंस हुआ है 33 का, और ये पूरा का पूरा कहां जाएगा, एडमिन एक्सपेंस में, सॉरी ये पूरा का पूरा जाएगा एडमिन एक्सपेंस में। इजी, नो कंफ्यूजन्स। इंक्रीज इन अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट 33 का है, वो 100% हमने डिस्ट्रीब्यूशन में भेज दिया, सॉरी एडमिन में भेज दिया। वेजेस एंड सैलरीज 40 30 30, क्वेश्चन में देखते हैं वेजेस एंड सैलरीज है कितनी, ये रही वेजेस एंड सैलरीज, ठीक है 1120, यहां पे हम आ गए वेजेस एंड सैलरीज 1120, तकसीम का रेशियो क्या है इसमें से 40% जा रहा है कॉस्ट ऑफ सेल में, 30 डिस्ट्रीब्यूशन, 30 एडमिन, तो इसका 40 30 30 वेजेस एंड सैलरीज में कुछ भी अक्रूड या प्रीपेड नहीं था, सही है। और क्या कहता है, डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन 100% एडमिन एक्सपेंस में जाएगी। क्वेश्चन में देखते हैं डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन है कितनी, लास्ट आइटम है 430 का, रेम्यूनरेशन इज सैलरीज, डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन 430 कहां जानी है पूरी की पूरी, एडमिन में 100% एडमिन में, ठीक है कोई कंफ्यूजन नहीं अब तक, और क्या सीन है, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट कहां चार्ज होगी, 100% कॉस्ट ऑफ सेल में, तो डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट कैलकुलेट हमने कितनी की हुई है, ये हमने कैलकुलेट की थी डेप्रेशन फॉर द ईयर आरबीएम के बेसिस पे 230, सॉरी प्लांट की ये है 136, ये आ गया 136, और ये पूरी की पूरी कहां चार्ज होनी है, कॉस्ट ऑफ सेल में, कोई कंफ्यूजन हो तो डिस्कस करते चलें प्लीज। इस साल हमारी डेप्रिसिएशन भी फेस पे नहीं आएगी, उसको भी हमने इन कैटेगरीज के अंदर छुपा दिया।
अच्छा, उसके बाद बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन 50, 30, 20 है। पहले देखते हैं हमारी बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन है कितनी। बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन हमने इस साल कैलकुलेट की है 230। इसमें से कॉस्ट ऑफ सेल में कितनी जा रही है? 50%। इसका 50% कॉस्ट ऑफ सेल में। एडमिन में कितनी जा रही है? 20%। एडमिन में 20% एंड डिस्ट्रीब्यूशन में 30%। ये आ गया 30%। ऑल सेट। लास्ट, अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट। 100 का 100% कहां जाना है? कॉस्ट ऑफ सेल में। है कितना? यह है अमोर्टाइजेशन फॉर द ईयर 48। और ये जात कहां रही है? पूरी की पूरी कॉस्ट ऑफ सेल में। हो गए खर्चे पूरे। बाकी टैक्स है जो कि अलग से आएगा, इंटरेस्ट है जो कि अलग से आएगा। तो हम देखते हैं हमारा कॉस्ट ऑफ सेल का अमाउंट कितना बना। ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंटरी माइनस डिस्काउंट प्लस इलेक्ट्रिसिटी प्लस वेजेस प्लस डेप्रिसिएशन प्लस अमोर्टाइजेशन, ये सब हमने प्लस कर दिया। 7,910 की कॉस्ट ऑफ सेल है। ठीक है, अब हम यहाँ पे पुट करते चलेंगे। सिंपली रेवेन्यू हमारा 11,438 का था। कॉस्ट ऑफ सेल कितनी है? माइनस किया 7,910। रेवेन्यू में से जब कॉस्ट ऑफ सेल हम माइनस करते हैं तो आंसर आता है ग्रॉस प्रॉफिट। तो रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ सेल, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 3573। इसके बाद हम रखेंगे एडमिन एक्सपेंसेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। एडमिन एक्सपेंस कितना है? 1018। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस कितना है? 578। ठीक है, अब हम रखेंगे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ग्रॉस प्रॉफिट माइनस एडमिन माइनस डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें से माइनस करेंगे इंटरेस्ट एक्सपेंस। ऊपर हम देख सकते हैं हमारा लोन नोट इंटरेस्ट पेड कितना है? 30। ये आ गया 30। अब आएगा हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये आ गया। अब इसमें से हम माइनस करेंगे टैक्स एक्सपेंस। टैक्स एक्सपेंस हमारा ट्रायल बैलेंस में नहीं था, हमने यहां पे नोट बनाया था नीचे बिल्कुल, जिसमें हम डेबिट कर रहे थे टैक्स एक्सपेंस को 310 से। अब आ गया हमारा प्रॉफिट फॉर द ईयर या फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसको हम नेट प्रॉफिट कहते हैं। ठीक है, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? यह हमारा इस साल का प्रॉफिट आ गया।
किसी को कंफ्यूजन हो तो डिस्कस करें प्लीज। तो इससे हमें एडवांटेज बेसिकली क्या हुआ, आप देख सकते हैं कि एक ही पेज के ऊपर हमारी पूरी स्टेटमेंट सम अप हो गई। ये सब हमारे नोट्स में जाएंगे, ये जो डिटेल है ये डिस्क्लोजर नोट्स में जाएगी। अगर किसी को शौक है देखने का कि ये खर्चे कैसे कैलकुलेट किए गए हैं तो वो नोट्स में जाके देखे। हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हमारे पास इतना स्पेस नहीं है कि हम फजूल की चीजें भी स्टेटमेंट पे लिख दें। तो बेसिकली हम इसको कहते हैं फेस ऑफ स्टेटमेंट। ये हमारा फेस ऑफ स्टेटमेंट है, ये वाला पूरा, ठीक है। अच्छा, अब हम बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, या सिंपली हम देखते हैं हमारी रिटेन अर्निंग्स पे क्या इंपैक्ट पड़ा है। पहले हम रखेंगे ब्रॉड डाउन रिटेन अर्निंग्स, क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में देख के बताएं कि हमारी रिटेन अर्निंग्स कितनी थी साल की शुरुआत में। यहां आप देख सकते हैं 1 जून 2010 पे हमारी रिटेन अर्निंग्स थी 800, तो ये आ गया 1 जून 2010 रिटेन अर्निंग्स थी 800। रिटेन अर्निंग्स को बढ़ाती कौन सी चीज है, प्रॉफिट फॉर द ईयर। इस साल हमारा प्रॉफिट कितना कैलकुलेट हुआ है, मैंने ऊपर कैलकुलेट किया हुआ ये वाला 1637। हम जितनी प्रॉफिट्स करेंगे उतना हमारी रिटेनिंग्स बढ़ती चली जाएंगी। इसमें से माइनस करेंगे डिविडेंड्स, ड्रॉइंग्स, यहां पे हम उसको ड्रॉइंग्स का नाम नहीं देते, वजह क्योंकि ये कंपनी है। क्वेश्चन में देखते हैं ये रहा डिविडेंड्स पेड, डिविडेंड्स पेड कितना है 155, ये मैं रखा माइनस 155, टोटल करके देखते हैं। ये आगे हमारी रिटेन अर्निंग्स, इसको हम कहेंगे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिटेन अर्निंग्स। बाकी इस साल कोई शेयर्स वगैरह इश्यू हुए नहीं है, ठीक है, कोई शेयर्स में मूवमेंट नहीं है, शेयर कैपिटल नहीं लेगा, शेयर प्रीमियम नहीं लेगा, बाकी सारी इक्विटी अपनी जगह पे सेम रहेगी। अब हम बनाते हैं बैलेंस शीट, जिसका नया नाम है अब बेसिकली यही चलता है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट ईयर एंडेड, क्वेश्चन में है 31 मई 2011। इसकी फॉर्मेटिंग भी हम IS-1 वाली फॉलो कर रहे हैं। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में सबसे पहले हम रखेंगे एसेट्स, एसेट्स में हम सबसे पहले रखेंगे नॉन करंट एसेट्स, कंपनी के पास कौन कौन से नॉन करंट एसेट्स मौजूद है, ये आपको ट्रायल बैलेंस में गिवन था। सबसे पहले कंपनी के पास है लैंड, दूसरा कंपनी के पास है प्लांट, तीसरा कंपनी के पास है बिल्डिंग। लैंड की वैल्यू क्या है 1460, प्लांट की वैल्यू क्या है, हमने यहां कैलकुलेट किया हुआ था नेट बुक वैल्यू ऑफ प्लांट, ये आगे प्लांट की नेट बुक वैल्यू 544, बिल्डिंग की नेट बुक वैल्यू 3998, ये हमने कैलकुलेट की हुई है। इसके बाद आएगा इंटेंजिबल एसेट्स,
इंटेंजिबल एसेट्स, इसकी हमने वैल्यू कैलकुलेट की हुई है 336। इन सब को हमने प्लस किया कि कंपनी के पास नॉन करंट एसेट्स कितने हैं। या गेट टोटल नॉन करंट एसेट्स। अब हम रखेंगे करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में कंपनी के पास एक है इन्वेंट्री, दूसरा है ट्रेड रिसीवेबल्स, तीसरा है कैश इन बैंक। क्वेश्चन में देखते हैं कंपनी के पास साल के आखिर में इन्वेंट्री कितनी है, क्लोजिंग इन्वेंट्री। कंपनी के पास साल के आखिर में इन्वेंट्री 465 की है, 465। ट्रेड रिसीवेबल कितना है, 1900 माइनस अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट। 1900 माइनस अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट हमने यहां पे कैलकुलेट किया होता क्लोजिंग बैलेंस, वाज 95। तो हमने ट्रेड रिसीवेबल कैलकुलेट करने के लिए जो ट्रेड रिसीवेबल्स का बैलेंस था ग्रॉस में से हमने माइनस कर दिया अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेट। कैश इन बैंक क्वेश्चन में गिवन है, यह आ गया बैंक बैलेंस हमारा 232 का है। 232 का हमारा बैलेंस है। तो टोटल करंट एसेट्स हमारे पास यह आ गया। अच्छा, इसके अलावा हमने रिकॉर्ड किया था एक प्रीपेमेंट, प्रीपेड क्या था, इंश्योरेंस। ये हमारा एसेट है प्रीपेड इंश्योरेंस। यहां पर हमने डेबिट किया था प्रीपेड इंश्योरेंस 14 से। अब देखेंगे हमारे पास करंट एसेट्स कितने हैं। इन्वेंट्री प्लस रिसीवेबल्स प्लस कैश इन बैंक प्लस प्रीपेड इंश्योरेंस, ये हो गया टोटल करंट एसेट्स। तो नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स मिलके बनेंगे हमारे टोटल एसेट्स। ये हो गया हमारा एक साइड। यस नबिया, दैट्स नॉट अदर रिसीवेबल्स एक्चुअली, फेयर, हम उसको प्रीपेड कहते हैं तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन रहेगा एसेट्स में, ट्रीटमेंट गलत नहीं है। नेक्स्ट साइड आएगा इसका इक्विटी एंड लायबिलिटीज। सबसे पहले हम रख रहे हैं शेयर कैपिटल, नेक्स्ट हम रखेंगे शेयर प्रीमियम, तीसरा हम रख रहे हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। शेयर कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है, शेयर कैपिटल हमारा है 4400, शेयर प्रीमियम है 486 और रिटेनिंग हमने ऊपर कैलकुलेट की हुई है 2282। ये हो गया हमारी टोटल इक्विटी, शेयर कैपिटल प्लस शेयर प्रीमियम प्लस रिटेनिंग्स। इसके बाद हम रखेंगे नॉन करंट लायबिलिटीज। कंपनी के पास नॉन करंट लायबिलिटीज आप देख सकते हैं यहां पे 10% लोन नोट्स हैं 300 के। लोन नोट्स इसके अलावा लास्ट पार्ट रखेंगे करंट लायबिलिटीज में देखते हैं क्या क्या है हमारे सामने।
ये एसेट है, ये एसेट है, ये कॉन्ट्रा एसेट 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 इक्विटी लाइबिलिटी इंटरेस्ट एक्सपेंस, ये हो गया इक्विटी 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 रेवेन्यू हो गया, रिटर्न वर्स रिडक्शन इन रेवेन्यू हो गया, परचेज हमारा एक्सपेंस हो गया, वेजेस सैलरीज हो गए, इंश्योरेंसेस हो गई, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस एक्सपेंस है, एडमिन एक्सपेंस एक्सपेंस है, अलाउंस हमारा कॉन्ट्रा हो गया, डिस्काउंट रिसीव हमारी इनकम हो गई, ट्रेड पेएबल्स ट्रेड पेएबल्स कितनी लाइबिलिटी ट्रेड पेएबल्स की, इट्स 1488 ट्रेड पेएबल्स, क्रेडिट साइड पे आप देख सकते हैं 1488। उसके बाद नोट नंबर 2 में हमने क्या किया था, अक्रूड इलेक्ट्रिसिटी की एंट्री पास की थी, ये एंट्री हमारे सामने है बिल्कुल, अक्रूड इलेक्ट्रिसिटी की ये रही, क्रेडिट किया था अक्रूड इलेक्ट्रिसिटी को 88,000 से। उसके अलावा आखिरी हमने एंट्री पास की हुई है टैक्स पेएबल की, ये रहा टैक्स पेएबल क्रेडिट पे 310 का। एक नजर देख लेते हैं, कुछ और रहता तो नहीं है, ठीक है, करंट लाइबिलिटीज को टोटल करते हैं, तो यह कि हमारी इक्विटी प्लस नॉन करंट लाइबिलिटीज प्लस करंट लाइबिलिटीज, ठीक है, दोनों साइड्स पे हम देख सकते हैं हमारा डिफरेंस आ रहा है। अब हमें ये पकड़ना है कि इस डिफरेंस की क्या वजह है, क्या ऐसी चीज है जो कि हमने रिकॉर्ड नहीं की है या ओवर रिकॉर्ड कर दी है जिसकी वजह से हमारी साइड पे डिफरेंसेस आ रहे हैं, डिटेक्ट कर सकते हो। हमने बेसिकली क्या किया है, हमने इसमें एडमिन एक्सपेंसेस हम रखना मिस कर गए हैं जो कि एज पर क्वेश्चन था, तो हम क्या कर सकते हैं यहां पे, चीज रखी एस पर क्वेश्चन, अच्छा एस पर क्वेश्चन में हम देखेंगे कि हमें डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट और एडमिन कॉस्ट कितनी गिवन है, यहां देख सकते हैं हमें कॉस्ट ऑफ सेल की कोई फिगर गिवन नहीं थी, लेकिन हम ये जरूर देख सकते हैं कि हमें एडमिन एक्सपेंसेस की एक फिगर गिवन है, दैट इज 500, तो हमने लिख दिया एज पर क्वेश्चन एडमिन एक्सपेंसेस है 500। सेम हम देखेंगे क्या हमारे यहां डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस नाम की कोई चीज है क्या, तो क्वेश्चन में गिवन डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस नहीं है, हमने एडमिन एक्सपेंस को इसमें शामिल कर दिया। अब आप एक नजर सारी चीजें देखते चलेंगे, ठीक है, हमारे एसेट्स का टोटल कितना हो गया 8854, लाइबिलिटीज का टोटल कितना हो गया 8854, इट्स बैलेंस्ड। कोई कंफ्यूजन हो तो डिस्कस कर लें प्लीज। क्वेश्चन में आपको ये देखना बहुत जरूरी होगा जो कि मैं अब आपको मशवरा दे रहा हूं, आपने देखना है कि क्या ट्रायल बैलेंस का हर आइटम अपनी अपनी जगह पे आ चुका है, मिसाल लैंड आप रिकॉर्ड कर चुके हैं, प्लांट रिकॉर्ड कर चुके हैं, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में इस साल की डेप्रिसिएशन मिला के आप रिकॉर्ड कर चुके हैं, बिल्डिंग और उसमें इस साल की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मिला के हम रिकॉर्ड कर चुके हैं, इनटेंजिबल एसेट को हम रिकॉर्ड कर चुके हैं, बैंक बैलेंस को हम रिकॉर्ड कर चुके हैं, इन्वेंट्री को हम कॉस्ट ऑफ सेल में भेज चुके हैं, रिटेनिंग्स को हमने कैरी फॉरवर्ड किया था, लोन नोट्स हम रिकॉर्ड कर चुके हैं, इंटरेस्ट हम रिकॉर्ड कर चुके हैं, शेयर्स हम रिकॉर्ड कर चुके हैं, प्रीमियम भी हो चुका, डिविडेंड्स हमने माइनस कर दी रिटेनिंग से, रेवेन्यू हमारा प्रॉफिट लॉस में गया, रिटर्न इनवर्स उसी में से माइनस हो गई थी, परचेजेस हमने कॉस्ट ऑफ सेल में भेज दी थी, वेजेस एंड सैलरीज हमने तकसीम कर दी थी जो अपोर्शनमेंट उसने कही थी, इंश्योरेंस भी हमने कर दी,
इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हमने कर दिया, एडमिन एक्सपेंसेस हमने मिस किया था, ठीक है। अगर हम यहाँ से चेकलिस्ट बनाते तो हम देखते हैं यार इस एडमिन एक्सपेंस को का 500 तो हमने कहीं नहीं रखा, तो अभी जिस तरह हमने नोट किया कि हमारा 500 रुपये का डिफरेंस आ रहा है, तो मैंने एडमिन एक्सपेंस में जाके वो 500 अपनी जगह पर रख दिए, क्योंकि आपने ट्रायल बैलेंस की चीज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भेजी नहीं थी। अगर ट्रायल बैलेंस से कोई भी चीज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रॉपर्ली रिफ्लेक्ट नहीं होगी तो ऑब्वियसली डिफरेंस क्रिएट करेगी। अलाउंस फॉर रिसीवेबल 62 का था, इसको हमने इंक्रीज करके भेज दिया था। डिस्काउंट रिसीव्ड हम कॉस्ट ऑफ सेल में भेज चुके हैं। पेएबल्स हमने रिकॉर्ड कर लिए, ट्रेड पेएबल्स ट्रेड रिसीवेबल्स हमने कर लिए, और डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन को भी हमने रिकॉर्ड कर दिया। उसके बाद नीचे जितनी भी एडजस्टमेंट्स गिवन थी उनको भी हमने अपनी अपनी जगह पे पहुंचा दिया। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन टेकन फ्रॉम बुक्स ऑफ जॉन क्रिस्ट कंपनी विच इज अ लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी एज ए 31st May 2010। पहला आइटम है डिस्काउंट रिसीव्ड का। डिस्काउंट रिसीव्ड इज ऑब्वियसली एन इनकम। शेयर प्रीमियम अकाउंट इक्विटी है। प्रॉपर्टी एक्सपेंसेस है, ठीक है, प्रॉपर्टी एक्सपेंसेस है। देन वी हैव गॉट ट्रेड पेएबल ऑन द क्रेडिट साइड, लोन नोट इंटरेस्ट ऑन द डेबिट साइड ऑब्वियसली, $1 शेयर ऑर्डरी शेयर्स ऑन द क्रेडिट साइड, रिटेन अर्निंग्स ऑन 1st June 2009, यानी ये ओपनिंग है, इनमें इस साल का प्रॉफिट भी शामिल नहीं है और साल के डिविडेंड्स भी डिडक्टेड नहीं होंगे। Then we have got allowances for receivables on 1st June 2009. Again, ये opening balance है, sales revenue है, credit पे cash है, debit पे inventory भी opening given है जो कि cost of sale में जाएगी, other operating expenses हैं, and then we have got marketing expenses, wages and salaries, bank credit पे भी आ रहा है। तो bank जब credit पे आता है तो that is definitely an overdraft, ठीक है। कैश हमारा डेबिट पे आ रहा है, बैंक हमारा क्रेडिट पे आ रहा है, तो ये ओवरड्राफ्ट है जिसको हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, एंड सिंस इट्स ओवरड्रॉन ये लायबिलिटी में शो होगा। रिटर्न इनवर्ट्स, हमें कस्टमर ने कितने पैसे वापस कर दिए। ट्रेड रिसीवेबल्स, परचेजेस 7% लोन नोट्स, ये हमारी लायबिलिटी है 614 की, एंड सिंस इट्स 7% का मकसद ये इस पे इंटरेस्ट मिलेगा जो कि ऊपर हम 43 का शो कर चुके हैं। लैंड एट कॉस्ट, बिल्डिंग्स एट कॉस्ट, मोटर व्हीकल्स एट कॉस्ट, फर्नीचर एंड इक्विपमेंट एट कॉस्ट। लेकिन इनमें से अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमें 3 की गिवन है ऑन 1st June 2009, बिल्डिंग्स, मोटर व्हीकल्स एंड फर्नीचर एंड इक्विपमेंट। क्योंकि लैंड कभी भी डेप्रिशिएट नहीं होगी। अच्छा, इसमें कह रहा है कि इन्वेंट्री at 31st May 2010 was valued at 357 based on its original cost. इसका जो बाकी वाला एलिमेंट है इसको आप रिजेक्ट कर दें, काट दें, क्योंकि ये एनआरवी वाला सेक्शन है तो इसको आपने इग्नोर करना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मार्केटिंग एक्सपेंसेस में 10,000 जून के हैं, अलाउंस फॉर रिसीवेबल्स 5% का है, वेजेस एंड सैलरीज 55,000 की आउटस्टैंडिंग है, बिल्डिंग को हम 5% पे डेप्रिशिएट करते हैं, ये वाला एरिया मैं फिर से माइनस करवा रहा हूँ, रिवेल्यूशन वाला जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये आपने इमेजिन नहीं करना। उसके अलावा डेप्रिसिएशन चार्ज करने का तरीका, मोटर व्हीकल्स का 25% रिटन डाउन वैल्यू पे है यानी आरबीएम पे है, फिक्स्चर्स एंड फर्नीचर फर्नीचर इक्विपमेंट 20% ऑफ कॉस्ट है, टैक्स 2,00,000 का है और डिविडेंड्स हमने पे नहीं किए। अच्छा, इसमें वो तकसीम नहीं बताई गई कि कौन सा अमाउंट किस में जाएगा, तो हम इस पे लिख लेते हैं अपनी तरफ से। ओके, सो डिस्काउंट रिसीव्ड हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को चार्ज कर देंगे, प्रॉपर्टी एक्सपेंसेस हम एडमिन एक्सपेंसेस में चार्ज कर लेते हैं, रिसीवेबल एक्सपेंस या अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेट एडमिन में, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एडमिन में, मार्केटिंग एक्सपेंस डिस्ट्रीब्यूशन में, वेजेस एंड सैलरीज को हम 60% कॉस्ट ऑफ सेल, 20% एडमिन एंड 20% डिस्ट्रीब्यूशन में डालेंगे। मैंने कहा सी इज टू ए इज टू डी, यानी कॉस्ट ऑफ सेल इज टू एडमिन इज टू डिस्ट्रीब्यूशन।
रिटर्न इन्वर्ट्स तो आपको पता है कहाँ जाएगा, परचेजेस भी आपको पता है कहाँ जाएगा, रिसीवेबल एक्सपेंस हम पूरा का पूरा एडमिन में डाल रहे हैं, और डेप्रिसिएशन को हम बिल्डिंग को 70-20-10 कर रहे हैं सीएडी, और मोटर व्हीकल्स 100% डेप्रिसिएशन डिस्ट्रीब्यूशन में डाल रहे हैं, और फर्नीचर एंड इक्विपमेंट को भी हम 20-30-50 करें सीएडी। जो इन्वेंट्री की एनआरवी वाला सीन है वो मैंने आपको यहाँ से माइनस करवा दिया है, यू कैन ऑब्जर्व कि हमने इसको टेक्स्ट थ्रू कर दिया, नहीं लाइन थ्रू कर दिया है, तो कट गया ये, स्ट्राइक थ्रू हो गया, और बिल्डिंग की जो रिवैल्यूएशन है उसको भी मैंने स्ट्राइक थ्रू कर दिया है। बाकी यू आर सपोज टू प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, दैट्स इट, बी पार्ट को आप इग्नोर करेंगे। ठीक हो गया।